नमस्कार, मैं पीयूष रौतेला। अभी यदि हमने बात की वल्नरेबिलिटी की या घातकता की, हमने जाना कि कैसे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी घातकता को कम या ज्यादा करते हैं। आप यदि आपदा प्रबंधन के बारे में गंभीरता से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, या इधर उधर किसी चैनल में या किताबों में इनके बारे में कुछ जानकारियां ले रहे हैं, तो आपको निश्चित ही एक और बात सुनने को या पढ़ने को मिली होगी, जो है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब संकट से आप कितने प्रभावित हो सकते हैं, संकट के कितने नज़दीक हैं, संकट से कितने एक्सपोज्ड हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हालांकि एक्सपोजर को वल्नरेबिलिटी से अलग करके, वल्नरेबिलिटी को अलग आकलित कर रहे हैं, एक्सपोजर को अलग कर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर जो मतैक्य है वो ये है, जो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वल्नरेबिलिटी के अंदर ही जो एक्सपोजर है वो भी समाहित है। अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो निश्चित ही आपकी वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उसका अलग से आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप करना चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, अन्यथा जब आप वल्नरेबिलिटी का आकलन करेंगे तो उसमें एक्सपोजर स्वयं ही आकलित हो जाएगा। नमस्कार।